हम 3 साल से आज ही के दिन हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे और मैं इस सोच के आया था, ये सोच के आया था कि हमारे बाबा जिस पार्टी के लिए उन्होंने जान दी, काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए काम किया, मैं उस पार्टी में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूं। लेकिन जो यहाँ पे स्टेट यूनिट है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। ये लोग मठाधीश लोग हैं, मठाधीश लोग हैं, एक रोटी है और ये लोग रोटी तोड़ तोड़ के अपने लिए खाना चाहते हैं। एक आम वर्कर का, एक आम कार्यकर्ता का ये लोग कोई बात नहीं करते हैं। चीटिंग करते हैं ये लोग, चीटिंग सिर्फ अपने साथ नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ करते हैं, हाईकमांड के साथ करते हैं, अलायंस पार्टनर के साथ करते हैं, जनता के साथ करते हैं। मैंने तो, और ये आप, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर मत विश्वास करिए, रामदेव राय जी कांग्रेस पार्टी के लिए थे ना, 8 बार विधायक रहे भाई साहब, वो MP रहे वो कांग्रेस के, उसके बच्चे को आपने टिकट नहीं दिया, हार गए ना पूरा इलाका। कांग्रेस पार्टी के साथ ना चीटिंग करी आपने। राम नरेश पांडे जी CPI के स्टेट सेक्रेटरी, हरलाखी से वो चुनाव लड़ रहे थे इस बार, क्यों हारे उनसे जाके पूछिए। अलायंस पार्टनर के चलते ना आप गया, अलायंस को हराया ना आपने। हमारी सरकार यहाँ पर होती, आज NDA की सरकार नहीं होती। ये लोग कुछ भी कर लेते फिर भी हमारी सरकार होती, अगर ये लोग अलायंस पार्टनर के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, जनता के साथ ऑनेस्ट रहते। लेकिन ये लोग ऑनेस्ट नहीं रहे। 70 सीट मिलने से थोड़ी आप जीत जाइएगा। अगर आप सही ऑनेस्टली इस काम नहीं करिएगा, आप कैसे जीत पाइएगा। मैं तो आज भी चैलेंज करता हूँ आपको, चैलेंज है मेरा, जो लोग चुनाव लड़े थे उनसे जाके पूछिएगा कि आपकी विधानसभा का क्या चौहद्दी है, कितने पंचायत हैं, 10 मुखिया का नाम पूछ लीजिएगा, कोई नहीं बता पाएगा। तो आप मानते हैं ना कि ये लोग एलिगेशन लगा रहे थे, आज अगर आपकी सरकार होती NDA के, अगर ये लोग या कांग्रेस जो है बेटर परफॉर्म करती है, कहीं ना कहीं अगर सरकार नहीं है तो कांग्रेस की वजह से आज बिहार में सरकार नहीं है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है ना, मिथिलांचल में हम क्यों हार गए। आप खाली जाके मिथिलांचल के आप भी रहने वाले हैं, आप जाइए ना पता करिए वहाँ पर, हमने हम वहाँ पर 5-6 सीट हम क्यों हार गए, ऑनेस्टली पता करिए ना। मैं नहीं कुछ बोलूँगा, हम क्यों हार गए। अगर 5-6 सीट वहाँ पे हम जीत जाते। अमिताभ भूषण जी क्यों हार गई, उनसे जाके पूछिए ना। तो आखिर जो आप बोल रहे हैं कि मठाधीश हैं, तो बताने में क्या दिक्कत है, कौन मठाधीश? मठाधीश स्टेट यूनिट, बोल तो रहा हूँ, स्टेट यूनिट जो यहाँ पर जो बैठा हुआ है, जो लोग हर रोज पार्टी चलाते हैं, आप बताइए ना, यहाँ पर AICC का जो कार्यक्रम होता है उसके अलावा बिहार यूनिट ने आज तक कौन सा कार्यक्रम किया है, ये लोग आप लोग से पूछिए उनसे। खाली हम अलायंस कर लें, अलायंस तोड़ लें, वो तो 5 साल में एक बार ना सर, 5 साल तो आपको ना जमीन पे काम करना है, कुछ नहीं, 0-0-0। ये भी एलिगेशन लग रहा है अभी हाल के दिनों में कि जो MLC के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी पैसों का खेल हो रहा है। पैसे का हमको नहीं पता। आज राष्ट्रीय जनता दल 1 सीट देने को तैयार हो जाए, 1 सीट, ये लोग मंच पर आएंगे, मठाधीश बोलेंगे कि हमको भाजपा को हराना है इसलिए हम साथ हैं। 1 सीट लालू जी दे दें, आप भी समझ रहे हैं, 1 सीट लालू जी इनको दे दें, अलायंस हो जाएगा हमारा। वर्कर से कहाँ मतलब है इनको, 24 हमारा वर्कर खड़ा होगा, उससे थोड़ी मतलब है, 1 सीट से मतलब है। तो आगे ऋषि मिश्रा क्या करने जा रहे हैं? मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं बाबा की जो सोच रही है, समाज में एकता रहे, समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेकर चलें, मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, अपना सुख दुख उनके साथ बांटूंगा, उनका सुख दुख मैं बांटूंगा। ABP News आपको रखे आगे।